प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गणित का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। अब देखिए कि चर अर्थात वेरिएबल, नाम से हम परिचित हैं कि एक्स वाई जेड वगैरह जो कोई भी वैल्यू धारण कर सके, तो ऐसी अक्षर जो है वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जैसे 1, 2, 3 आदि जो संख्यांक है ये जो है अचर के उदाहरण हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम ए बी सी को भी अचर लेते हैं, लेकिन मैं उसका भी जिक्र नहीं करूँगा। अब देखिए, एक अचर गुणा में चर मिला करके हम क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो जैसे बीजीय व्यंजक के उदाहरण लेता हूँ, 2x है, वर्गमूल 3x² है आदि, ये क्या है, बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। अब इनके कॉम्बिनेशन से भी बीजीय व्यंजक बन जाता है, वर्गमूल 3x² + 2x और एक चर जोड़ दीजिए, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक, चर, अचर वगैरह, इनसे हम छोटी क्लासों में परिचित हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे बहुपदों की। बहुपद टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और रिमाइंड करवा देता हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 यानी प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 वगैरह आगे तक गिनती वाली संख्या, उसमें 0 और मिला दो तो ये होती है पूर्ण संख्या। तो इसका मैं आगे यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने पहले आपको रिमाइंड करवा दिया है। अब बहुपद क्या है, बहुपद कुछ बीजीय व्यंजक ही होते हैं, लेकिन उनकी जो घात है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है। बहुपद क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 6x² + 3, ये एक बीजीय व्यंजक लिख दिया, इसकी घात देखो कितनी है, इसकी घात है 2। 2 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। अगर मैं लिखूं कि 2 वर्गमूल x + समथिंग लिख दो, 9 लिख दिया, यहाँ चर देखो, चर x है और x की घात कितनी है, 1/2, तो इस बीजीय व्यंजक की घात भी कितनी होगी, 1/2। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं है। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, वर्गमूल 3x³ + x² + 6, इस बीजीय व्यंजक को क्या बहुपद बोलेंगे। अब देखिए, आपने घात किसकी देखनी है, चर की देखनी है, अचर पद नहीं देखना आपने, चर की घात कितनी है, 3 है। अगर चर की घात 3 एक पूर्ण संख्या है तो ये, अब हम ये समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब बहुपद कितने टाइप का होता है, अब यहाँ देखिए, सिर्फ एक ही पद है, एक चर और अचर मिलकर के एक पद बनाता है। दो पद जो है अलग अलग किसके द्वारा होते हैं, प्लस या माइनस के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ही पद है और एक पद वाला बहुपद जो है वो क्या कहलाता है, एक पदी कहलाता है। अब इसमें दूसरे बहुपद में देखिए, एक पद तो ये होगा 6x², बीच में माइनस का निशान आ गया तो इसका मतलब अगला पद अलग होएगा, प्लस या माइनस के बाद अगला स्टार्ट हो जाता है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है,
द्विपदी या द्विपद बहुपद कहलाता है। इसमें देखिए एक दो और तीन पद है, तीन पद वाला त्रिपदी कहलाता है। ये तो पदों की संख्या के आधार पर हो गया। अब ये है पदों की संख्या के आधार पर, अब इसकी घात देखें। यहां पर चर की घात कितनी, एक, तो बहुपद की घात भी एक ही है, और चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, याद रखना ये बात। यहाँ कितनी घात है, दो घात है, यहाँ कितनी है, तीन घात है। तो एक घात वाला जो है ना वो रैखिक रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला द्विघाती या द्विघात बहुपद होता है, और तीन घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आपने याद रखना है कि घात के आधार पर बहुपद तीन तरह के होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। एक घात वाला रैखिक, दो घात वाला द्विघात और तीन घात वाला त्रिघात, जैसे नाम से स्पष्ट है। इसी तरह से पदों के आधार पर पीछे पदी पदी लग जाएगा इसमें, एक पद वाला एक पदी, दो पद वाला द्विपदी और तीन पद वाला त्रिपदी। इसके अलावा मैं बहुपद की एक आध टाइप का और जिक्र यहाँ पर करूँगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक है, क्या ये बहुपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक्स, इसको मैं कह सकता हूँ एक्स पावर जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जीरो जो है क्या कहलाती है, क्या होगी, एक के बराबर होगी। तो ये जो संख्या एक है ये भी एक बहुपद होगा। इसी तरह से दो, दो को मैं क्या कह सकता हूँ, दो गुना एक्स पावर जीरो एंड दो गुना एक कह सकते हैं, तो संख्या दो भी क्या होगी, एक बहुपद होगी। लेकिन ये जो इस टाइप से जो बहुपद होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात वगैरह, ये जो बहुपद है ये एचर बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं? एचर बहुपद। यानी जो अकेला एचर है वो भी एक बहुपद है, और उसे हम क्या कहेंगे, एचर बहुपद कहेंगे। लेकिन शून्य, शून्य भी एक बहुपद है, और उसे हम शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। अब शून्य बहुपद का आगे बड़ी क्लासेस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसका अभी तो हमारा इतना ज़्यादा जिक्र नहीं आएगा इस चैप्टर में, जस्ट कंसेप्ट को ही क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुपद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बहुपद है 2x² + 5x + 3, ये सारा x में है बहुपद, सारा चर क्या है, x है। तो इसको मैं पी एक्स लिख सकता हूँ, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में बहुपद। इसी तरह से इसका नाम मैं क्यू एक्स भी दे सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि पी एक्स ही दूँ, क्यू एक्स भी दे सकता हूँ, या क्यू एक्स में कुछ और भी लिख सकता हूँ, x³ - 1। तो इस तरह से, लेकिन अगर कोई बहुपद वाई में हो, y² + 3, तो इसको मैं पी वाई कह सकता हूँ, या आर वाई कह सकता हूँ, एस वाई कह सकता हूँ। तो इस तरह से जिस चर में ये बहुपद हो ना, उसे इसे ब्रैकेट में लिखते हैं इसे। और इस चैप्टर में हम एक चर वाले बहुपदों की बात करेंगे। वैसे बहुपद तो दो चरों में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ वाई आ जाए, लेकिन हम फिलहाल एक चर वाले बहुपदों की बात ही करेंगे। तो इतना समझने के बाद हम प्रश्नावली
2.1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने बताया कि ऐसा भी जीवव्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ऐसा भी जीवव्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। पदों के हिसाब से बहुपद 3 प्रकार के हैं, एकपदी, द्विपद और त्रिपद। घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो हम अभी प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 4x² - 3x + 7। यहाँ देखिए घात कितनी है, 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि चर की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह है एक बहुपद। हम लिखेंगे यह है एक बहुपद है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। चर का प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या है, या प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, y² + √2। रूट टू से आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ चर की घात देखनी है। तो यहाँ चर की घात कितनी है, 2 है, तो यह भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि चर y की घात 2 अर्थात एक पूर्ण संख्या है। आगे तीसरा देखिए, 3√t + t√2। यहाँ देखिए इस टी की घात रूट में दी है, यानी 1/2 है, इस टी की घात 1 है, लेकिन यहाँ में प्रत्येक चर की घात क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। तो ये जो है बहुपद नहीं है, यह है एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर टी या प्रत्येक चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y + 2/y। इसको थोड़ा ठीक करके लिखना पड़ेगा, y + 2 पावर y - 1, क्योंकि नीचे पावर 1 ऊपर आकर के -1 हो जाएगी, और -1 आपको पता है कि पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, यह है एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब पांचवा, x² - 10 + y³ - 3 + t² - 50। अब देखिए कि यहाँ पर प्रत्येक चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या तो है, या चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन हमें पूछा क्या गया कि एक चर में बहुपद है, यह बहुपद कितने चरों में है, 3 चरों में है। तो यह एक 3 चरों वाला बहुपद है। इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए।
अब प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में चार पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में हमें एक्स स्क्वेयर का गुणांक ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, यहाँ एक्स स्क्वेयर का गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले एक्स स्क्वेयर वाला पद देखेंगे। इस पद में एक्स स्क्वेयर के साथ देखिए कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम एक से गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का गुणांक जो है वह क्या हो गया, एक। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक बराबर एक। इसी तरह से दूसरा पार्ट है 2 - x² + x³। अब इसी तरह से एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वेयर वाला पद देखेंगे। अब एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो एक लगा लें और ये माइनस एक जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का गुणांक हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर वाला पद ये है और एक्स स्क्वेयर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो ये π/2 क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए, √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वेयर वाला पद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जीरो तो ऐड कर ही सकते हैं, अर्थात 0x² हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ अगर किसी बहुपद में एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वेयर वाला पद नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या होगा, जीरो। तो इसी तरह से अगर हमें किसी भी बहुपद में एक्स स्क्वेयर का गुणांक देखना हो, तो पहले एक्स स्क्वेयर वाला पद देखेंगे, उस पद में एक्स स्क्वेयर के साथ जो कुछ भी लगा है वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। अब प्रश्नावली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात का द्विपद, यानी हमें ऐसा बहुपद लिखना जिसकी घात 35 हो और उसमें 2 पद हो। ऐसे हम अपरिमित रूप से अनेक उदाहरण दे सकते हैं। तो जैसे x^35 + 6 कुछ भी लिख दो, या हम दे सकते हैं 10x^35 - 9x। तो इस तरह से ऊपर लिख देना कि 35 घात वाले द्विपद का एक उदाहरण। अब इसी तरह से 100 घात के एक पदी का उदाहरण, इसके भी हम अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं। एक पदी यानी x^100, y^100, 100 y^100, 3 x^100, कुछ भी लिख दो, कोई एक दे दो, बस मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 बता दिए। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर सीधा आंसर में लिखोगे इसकी घात बराबर कितनी है, 3। मैं इसी को हल बना देता हूँ। और यहाँ पर 4 - y² है, तो घात कितनी होगी, 2 होगी। इसकी घात बराबर 2। यहाँ पर सर क्या है, टी, टी की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो 1 है। इसकी घात बराबर 1। 3 को आप लिख सकते हो 3 × x^0। तो 3 बहुपद 3 की घात
बराबर 0, क्योंकि आयसर बहुपद की घात हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए 5th क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट दिया हुआ x² + x, यहाँ घाती, तो घात देखेंगे आप, यहाँ इसकी घात कितनी है, 2 है, 2 घात, तो ये कौन सा है, द्विघाती है। ठीक है, क्योंकि बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह है बहुपद द्विघाती है। दूसरा देखिए, x - x³, चर की जो, यहाँ देखिए सर की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, वही बहुपद की घात है, तो कहेंगे क्योंकि बहुपद की घात 3 है इसलिए यह बहुपद त्रिघाती है। आपने इसको पूरा लिखना, मैंने समय बचाने के लिए ऐसे कॉमे से लगा दिए। y + y² + 4, यहाँ देखिए घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघाती है। और फोर्थ में देखिए 1 + x, यहाँ घात कितनी है, 1 है, एक घात वाला कौन सा होता है, रैखिक बहुपद होता है। और पांचवा देखिए 3t, यहाँ पर भी घात 1 है, तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। और r² में देखिए घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा है, द्विघाती। और सेवंथ पार्ट में देखिए 7x³, घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। तो इसी के साथ पहली प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और इस कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले कर लिया हो तो धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक छोटा सा घंटी का बटन आएगा, उसे दबा करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें, इससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास ईमेल या यूट्यूब के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।